क्या हाल चाल है आप लोग का। हम अंकित वापस से आपको एक न्यू ट्रेन जर्नी पर लेकर चलते हैं, और आज आपका भाई का ट्रेन जर्नी होने वाला है 032 36 नटेसर फतुहा मेमो ट्रेन में। तो भाई साहब इस ट्रेन की बात करें, जो देख सकते हैं पहले भी हम इस ट्रेन जर्नी को बना चुके हैं, लेकिन उस वक्त उतना मज़ा नहीं आया था। लेकिन कुछ वन ईयर के बाद फिर से इसमें ट्रेन जर्नी बनाने वाले हैं। तो पहला बार आया था चैनल वक्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह अगर भाई के साथ ट्रेन जर्नी देखना पसंद है तो जुड़े रहिएगा। और देख सकते हैं अभी हम खड़ा है इस्लामपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और इस्लामपुर की बात करें तो इसका स्टेशन कोड होता है IPR नंबर, और प्लेटफॉर्म की बात करें तो 4 है, और यहाँ से लगभग 6 ट्रेन डेली ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। और भाई साहब इस्लामपुर है ना, इस्लामपुर से मगध और हटिया दोनों है जो फेमस ट्रेन है, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नटेसर। तो भाई भाई इस्लामपुर मिलते हैं फिर कभी और जर्नी पर। और देख सकते हैं ये है जो इस्लामपुर का स्टैंड हो गया ऑटो स्टैंड। तो आप यहां से इस्लामपुर बाज़ार जा सकते हैं अंदर। ट्रेन की बात करें तो माहौल तो आप देख ही रहे होंगे कितना ज़बरदस्त है। और भाई साहब इस ट्रेन की बात करें तो अभी इस रूट पर मात्र एक ही ट्रेन है जो कि डेली रनिंग कर रही है, वो बस यही है एक ही नटेसर फतुहा ट्रेन, तो समझ सकते हैं। और इस ये ट्रेन है ना जो 3 ट्रेन के साथ रैक शेयर करती है। पहला ट्रेन हो गया ये बक्सर फतुहा, और उसके बाद हो गया फतुहा नटेसर, और ये जाती है फिर फतुहा राजगीर, और उसके बाद एक और रैक एक ट्रेन के साथ शेयर कर रही है जो कि हो गया फतुहा हिलसा। तो समझ सकते हैं एक गाड़ी पे 4 ट्रेन का रैक लगाया हुआ है, तो बस नंबर को चेंज कर दिया जाता है और ट्रेन की रूट सेम ही रहती है और रूट चेंज कर दिया जाता है, तो समझ सकते हैं। और अभी प्रकृति का सौंदर्यता को सामना करते हुए हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छा ट्रेन रूट है ये भी। अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है खुदागंज बाज़ार, ऐसे खुदागंज रेलवे स्टेशन कह सकते हैं। अब इस्लामपुर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं खुदागंज बाज़ार, जिसका स्टेशन कोड होता है KDJ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर 3 है, ट्रैक की बात करें तो भाई साहब नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है। और यहां पर रोज़ाना एक ट्रेन आकर डेली हॉल्ट करती है, और यहां से ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। बात करें खुदागंज बाज़ार की तो इसे ओपन किया गया था 2017 में, और आज तक ये रेलवे डिवीज़न में एक ही ट्रेन यहाँ पर डेली, यही एक मेमो ट्रेन है डेली आकर यहाँ पर रनिंग करती है। तो चलिए अपनी ट्रेन की हो चुकी है सिग्नल, मिलते हैं इसका अगला हॉल्ट सिंघौली में। अपनी ट्रेन की यहाँ से हो चुकी है डिपार्चर, ट्रेन में देख सकते हैं ये झूला झूला झूलते हुए जाने वाला है,
और उसके बाद देख सकते हैं पंखा है लेकिन चल नहीं रहा है, और साइकिल उनकिल भी है जैसे पूरा टांग टूंग के रख दिए हैं, तो देख सकते हैं। अरे देखिए क्या कंडीशन है बाथरूम की, और साइकिल देख लीजिए। तो लगभग लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं हरसिंगरा हॉल्ट। और भाई साहब इस हॉल्ट की बात करें तो मान के चले तो ये हॉल्ट है सरबहदा, लेकिन इसको हरसिंगरा हॉल्ट बनाया गया है जो कि गांव की नाम है। कहो तो आप देख सकते हैं अभी ट्रेन में पूरा खाली हो गया ना भाई, तो कोई नहीं है इस ट्रेन में, बस हम हैं और 25% लोग और हैं, तो जो कि देख सकते हैं। दौड़ी भैया दौड़ी। ये साइड में लगा हुआ है बैप 7 लोकोमोटिव के साथ एक मालगाड़ी लगा हुआ है गोड ट्रेन, जो देख देख सकते हैं एक बैप 9 बैप 7 है और एक बैप 9 लोकोमोटिव के साथ है। तो भाई साहब देख सकते हैं कपलिंग है दोनों के, और ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है कटारी रेलवे स्टेशन पे। तो लगभग लगभग इस्लामपुर से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं कटारी। लेकिन भाई साहब इस ट्रेन रूट का जो इस मार्केट का नाम है, इस गांव का नाम है, वो है बथानी। लेकिन रेलवे स्टेशन को ना जाने क्यों रखा गया है कटारी, जो हमको पता नहीं है, तो हमको भी मालूम नहीं है इस गांव को, इस यहां पे हम आए हैं बहुत बार तो इस वजह से हम इसको मालूम है ये बथानी है। तो कटारी का स्टेशन को होता है KTRI। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर 3 है भाई साहब। यहां पर रोज़ाना यही ट्रेन है जो कि आकर डेली आती है और जाती है। तो एक ट्रेन का हॉल्ट है अच्छा खासा, और अपनी ट्रेन की हो चुकी है सिग्नल, तो चलिए एक मिनट की हॉल्ट थी। यहां से हो चुकी है सिग्नल, देख सकते हैं। देख सकते हैं लगा हुआ है एक मालगाड़ी का रैक लगा हुआ है। तो ये मालगाड़ी है ना जो कि जा रही है सीमेंट फैक्ट्री में, तो जो कि है दनियामा रेलवे स्टेशन पर, जो कि हम कभी दिखाए होंगे वहीं ये ट्रेन निकल रही है। देख सकते हैं ये वाला जो ट्रेन रूट है ना वो राजगीर चला गया है, राजगीर तिलैया मेन लाइन हो गई, और ये वाला रूट है जो कि गाके नटेसर में देखिए लिंक हो रही है। तो ये हो गई इस्लामपुर नटेसर रूट, और ये हो गई राजगीर नटेसर रूट, तो समझ सकते हैं। और ये तिलैया चली जाती है, और इसमें यहाँ पर हो चुकी है मिल गई, तो ये यहाँ से चल जाएगी सामने गया जंक्शन में जाकर मिला दी गई है, तिलैया जंक्शन में मिला दी गई, और तिलैया से होते हुए गया निकल जाती है। साहब हम लोग आ चुके हैं 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुँच चुके हैं नटेसर। तो इसका स्टेशन को होता है NTR। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 4 है भाई साहब। यहाँ पर हो रही है अच्छी खासी बारिश, और इस ट्रेन रूट पे हम भाई साहब फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? क्योंकि भाई साहब हम खाना लेके नहीं आए थे, हम सोचे थे कि यहाँ पर एक होटल है इसमें खाना खा लेंगे, लेकिन होटल बंद है। तो समझ सकते हैं तकलीफ़ है, अगर आप इस रूट में ट्रेवल कर रहे हैं तो पानी और खाना लेकर ही चलें, ये हमारा अपना प्रेफर है, क्योंकि भाई साहब यहाँ कुछ है नहीं। ऐसे नटेसर को जाना जाता है, यहाँ पर एक शंकर भगवान का मंदिर है उसके अति पे, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कम से कम खाना लेकर आएँ। चलिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार अपने भाई के साथ ट्रेन जर्नी करते रहिए। सी यू सून, टेक केयर बाय। अब देख सकते हैं बारिश हो रही है, तब मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार अपने भाई के साथ ट्रेन जर्नी करते रहिए। सी यू सून, टेक केयर बाय। जय हिंद, मिलते हैं फिर कभी और नेक्स्ट ट्रेन पर।